तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है खनिया दाना से, जहां आपको बता दें कि समीर शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए जैन समाज ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ स्थल आस्था के केंद्र समीर शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में देशभर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। खनियादाना में जैन समाज द्वारा समीर शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में विशाल मशाल जुलूस भी निकाला गया। इस प्रदर्शन में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, साथ ही हाथों में समीर शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र बनाए जाने के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की अपील की। जुलूस में बच्चे पुरुष अपने हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए रैली में नजर आए। हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है और धर्मशाला को मधुशाला न बनाया जाए, क्योंकि इससे हमारा आस्था का प्रतीक है और 24 तीर्थशंकरों ने समय सकल जी पर तपस्या की है और वहाँ मोक्ष प्राप्त किया है। और ऐसी स्थिति में सिप्पू सेरेन सरकार इस प्रकार करती है तो निश्चित रूप से संपूर्ण देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण जैन समाज को लेकर सनातन समाज को लेकर सड़कों पर उतरेगा और विरोध करेगा। माननीय मोदी जी से निवेदन करते हैं कि तुरंत इस पर कठोर से जो आश्वासन दिया है 15 दिन का समय मांगा जाएगा, इसमें इन्होंने अपने निर्णय नहीं बदला तो ये आंदोलन है, ये उग्र भी रूप धारण कर सकता है। इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सरकारों की रहेगी। इसमें जैन समाज, वैसे भी सुना है सब लोग जैन समाज जिस नाम से जाना जाता है, अहिंसा जैन समाज है, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं हम, महावीर भगवान के सिद्धांतों में चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर सरकार ऐसे ही भड़काएगी तो हमें अपना आपा खोना पड़ेगा। हम अपने फूल तोड़ने पे भी अहिंसा मानते हैं, हिंसा को मानते हैं। और क्या नाम से ये जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत गलत लिया है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सब लोगों को पता है कि जैन समाज की GDP में 25% भागीदारी